हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गणेश चतुर्थी की सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गणेश चतुर्थी आने वाला है तो सब लोग कोई ना कोई भोग बना रहे हैं बप्पा के लिए। तो मैंने यहाँ पे बनाया है मिल्क पेड़ा रेसिपी, वो भी बिना मावा के। मिल्क पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले लूँगी मैं एक पैन, उसमें डालेंगे हम एक चम्मच देसी घी। घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे एक कटोरी दूध और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे दो कटोरी मिल्क पाउडर, तो इसको भी दूध के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें मिल्क पाउडर डालने के बाद इसका एक लम्स फ्री बैटर बनाना है। तो आप चाहे तो इंडक्शन पे रखने के बिना आप इसका लम्स फ्री बैटर बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लम्स फ्री बैटर बनाने के लिए बीटर का इस्तेमाल किया है ताकि इसके जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। मिल्क पेड़ा बनाते हुए बस फ्रेंड्स आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसको लगातार चलाते रहना होगा, क्योंकि ये मिल्क पाउडर है, अगर आप इसको बीच में हिलाओगे नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। तो बस इस बात का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें एक भी लम्स नहीं है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह लम्फ्री बनाना है और इसको धीमी आँच पर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है ताकि इसका मावा बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा दूध एकदम से गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स, इस स्टेज के ऊपर हमें इसमें डालना है आधा कटोरी नारियल का बुरादा, इससे इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। नारियल का बुरादा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो मिल्क पेड़ा को है थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अब इसमें मैं डालूँगी आधा कटोरी मखाना और थोड़े से ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने लिया है बादाम और काजू। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो मिल्क पाउडर का पेस्ट है वो एकदम से थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें अपना ग्राइंड किया हुआ
वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और न्यू व्यूवर्स प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा।